हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक नया मसाला यानी सांभर मसाला। ये मसाला अगर आप बना कर रख लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर सांभर मसाला लेने जाते हो तो 30 से 40 रुपये का पैकेट एक मिलता है, जो कि बहुत छोटा पैकेट होता है, लगभग वही 50 ग्राम के करीब शायद, क्योंकि हमने कभी मंगाया नहीं है, हम हमेशा घर में ही बना कर रखते हैं मसाले को, क्योंकि वो अपना हेल्दी मसाला होता है और हर एक इंग्रेडिएंट बिना हुआ साफ़ सुथरा होता है और शुद्ध होता है। और बाहर का मार्केट का जो मसाला आता है उसमें वो लोगों ने क्या मिलाया होता है, क्या किया होता है, हमें नहीं पता होता है। और ये एक मसाला बना कर रख लेते हो तो सांभर बनाइए या कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी, पतली सब्जी है, ग्रेवी वाली भी सांभर भी है, पतला है, ये मसाला जब आप ऐड कर दोगे ना तो वो सब्ज़ी एकदम गाढ़ी और थिक हो जाएगी, बहुत अमेजिंग हो जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं, जैसे कि धनिया 4 टेबल स्पून आप देख सकते हो, चावल 1 टेबल स्पून, ये देखिए, ये देखिए, दाल चना दाल 2 स्पून, मेथी 1/2 स्पून, क्योंकि मेथी बहुत ज़रूरी है, ये है हमारा मीठा नीम जिसको बोलते हैं करी लीव्स, वो भी बहुत ज़रूरी है, ले लीजिए खुशबू के लिए। और ये देखिए, अब इसमें हमने ले लिया थोड़ा सा नारियल, गोला वाला नारियल है जिसको हमने कट कर लिया है, और ये हमने ले ली है 10 से 12 लाल मिर्ची, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अपने कढ़ाई रख दी है इसको, अब इसमें हम डालेंगे पहले चना दाल। अगर आप चना दाल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप भुनी हुई भुना हुआ चना भी ले सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया चावल, इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब फ्राई मतलब ड्राई रोस्ट करना हुआ, यहाँ पर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर उड़द दाल डाल देंगे। देखिए गाइस, आपके पास अगर छिलके वाली दाल मतलब बिना छिलके वाली दाल हो तो आप वो डालिएगा, हमने यहाँ पर छिलके वाली दाल डाली है 1 स्पून, क्योंकि हमारे पास बिना छिलके वाली दाल नहीं थी इस वजह से, ठीक है। इसको रोस्ट करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया से रेड कर लेंगे, यानी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, ये देखिए। मगर ध्यान ये रखना है सारे मसालों को धीमी आँच पर रोस्ट करना है, क्यों, क्योंकि हमको मसाले रोस्ट करने हैं ना कि जलाने हैं। अगर आप जला देते हो मसालों को तो ये सही नहीं होता है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, दाल हमारी भुन गई है सारी, ठीक है, दाल और चावल भुन गया है, तो अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। ये देखिए, अब इसमें हमने डाला है मेथी दाना, मेथी दाना हमने लिया है 1/2 स्पून। मेथी दाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सांभर मसाले में मेथी दाना बहुत ज़रूरी होता है, ये देख सकते हैं। इसको रोस्ट करेंगे मगर धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रोस्ट करने में, मगर ध्यान में ये रखना है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रोस्ट करना है, वरना ये कड़वा स्वाद देगा, कड़वी हो जाएगी। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, तो 4 स्पून जो धनिया रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। अब इसको रोटेट करते हुए बढ़िया सा भून लेंगे, ये देख सकते हैं, ये देखिए अच्छे से रोटेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 स्पून राई, देखिए सांभर में राई पड़ती है तो आप ज़रूर डालें, अच्छा टेस्ट आता है, तो 1 स्पून हमने राई डाली हुई है, ये देखिए भून लेंगे। अब जीरा डाल देंगे 1 स्पून के करीब, देखिए सारे मसाले वहाँ पर एक जगह पर रख कर आपको दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना, तो 1 स्पून जीरा डाल देंगे, ये देखिए अब भून लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमारी राई चटकना शुरू होती है बस हमारा समझ लीजिए मसाले भून चुके हैं। अब इसमें करी लीव्स डाल देंगे, ठीक है, यानी मीठा नीम जो बोलते हैं, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, ज़रूर आप डालें। ये सारे मसाले लगभग सबके घर में अवेलेबल होते हैं, आप ये सारे मसाले यूज़ करें। अब देखिए चटकने लगी ना राई हमारी, जब राई अच्छे से चटकने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मसाले भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नारियल, इसको भी रोस्ट करेंगे बढ़िया सा। देखिए ये सारी चीज़ें ना हमारे खाने को बहुत टेस्टी बनाती हैं और हेल्दी भी बनाती हैं, और आप देख सकते हो इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट आपने ऐड किया है वो सारा आपके सामने है, और आप सोच सकते हैं कि हमें ये इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करे हुए हैं। मार्केट के जो मसाले लेके आते हैं उसमें हमें नहीं पता होता कि कैसा क्या हम उसमें यूज़ किया गया है। मिर्च भी डाल दी थी, वो भी भून गई है अच्छे से। अब इन सभी मसालों को निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए सारी जो पत्तियाँ डाली थी हमने ड्राई डाली हैं, आप ध्यान रखिएगा करी लीव्स लीजिएगा वो ड्राई लीजिएगा, जिससे कि हमारा मसाला ख़राब ना हो। तो करी लीव्स अगर आपके पास ड्राई नहीं है, मतलब पत्ती वाली है, हरी पत्ती वाली है, तो आप उसको लीजिएगा, तोड़ कर इस समय रख दीजिएगा कहीं पर भी, वो सूख जाएगी बहुत जल्दी। अब सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब सारे मसालों को हम ग्राइंड करेंगे। देखिए जो इसमें हमने चना दाल डाली है, चावल डाला है, इससे क्या है, अगर आप सांभर वगैरह बनाते हो ना तो आपके सांभर वगैरह बहुत बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होगा, गाढ़ा थिक हो जाएगा। अब देखिए अभी आप मसाले का कलर बिल्कुल सांभर की जैसा नहीं आया है, ये देख सकते हो। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। गाइज आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस करी होगी कि हमने अपने सारे मसालों में नमक ज़रूर ऐड किया है। नमक इसलिए ऐड किया है
कि नमक ऐड करने से हमारे जो मसाले होते हैं वो ख़राब कम होते हैं। आप देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालना है पाउडर, तो इसको आप 2 चम्मच डाल दीजिए भर भर के अच्छे से, ठीक है। इससे क्या है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से हमारे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे मसाले का। अब इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है 1/2 स्पून, इसको हम फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छे से आ गया, अभी उतना अच्छे से कलर नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मोटा है मसाला, क्योंकि अभी हमें फिर से इसको पीसना है। ये देखिए अभी भी अच्छा नहीं है। तो अब देखिए इसमें हम डालेंगे हींग। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि जितना भी सांभर वगैरह मसाला बनता है उसमें हींग जरूर होती है, आप हींग जरूर ऐड करें। तो ये पिसी वाली हींग थी इसलिए हमने यहाँ पर डाला है। अगर आपके पास साबुत वाली हींग है तो जिस समय पर आप धनिया भूनते हैं उस समय पर आप हींग को भून लीजिए। आप देखिए प्लेट में निकाल रहे हैं, आप इसे कलर देख सकते हैं इसका। अब ये देखिए गाइस कलर टेक्सचर कितना यम्मी आया है, और देखिए थोड़े से ही इंग्रेडिएंट से कितना सारा सांभर मसाला बन करके तैयार हो गया है। और ये मसाला मुश्किल से 30 रुपये के ये सारे आइटम आए होंगे जो हमने इसमें ऐड करे हुए हैं। आप जान सकते हैं कि दाल चावल सबके घर में होता है और हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर सबके घर में सारे मसाले होते हैं ना। तो हम जब सारे मसाले हमारे घर में उपलब्ध हैं तो हम बाहर से मार्केट से क्यों मसाले लेके आएँ, हम अपना घर में ही बना कर तैयार करते हैं और वो भी शुद्ध देसी मसाले। तो अगर हमारी गाइज ये मेहनत ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो ला करके वीडियो बनाना, फिर इस समय इतनी भयंकर गर्मी में शूट करना, फिर एडिट करना बहुत टाइम लगता है। इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। गाइज ये मसाले को आप 3 महीने बाहर रख कर फ्रिज में रख कर 6 महीने स्टोर करके खा सकते हैं, बहुत अमेजिंग।